कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से खजाने को गायब के मामले ने हड़कंप मचा दिया है और अब खजाना खाली करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक नहीं दो नहीं नौ लॉकर में रखे करोड़ों के जेवरात को गायब कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो सबके होश उड़ गए। लॉकर खाली करने वाला निकला बैंक का कर्मचारी, खजाना लूटने वाले की हुई गिरफ्तारी। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पिछले एक महीने से हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि जो भी ग्राहक वहां पहुंच रहा था उसका लॉकर में रखा सारा खजाना गायब हो चुका था। मामला लगातार तूल पकड़ने लगा था, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों का करोड़ों रुपया लीला जा चुका था और किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। पिछले एक महीने के अंदर एक एक कर कई लॉकर खोले गए, नौ लॉकर में रखे जेवर गायब, करीब 3 करोड़ का खजाना हुआ खाली। ग्राहक लगातार हंगामा कर रहे थे, पुलिस भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी, तो वही बैंक वाले खुद हैरान थे। और फिर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो खुलने लगा खजाना खाली करने वाले का राज। देखिए, जो फिलखाना थाना क्षेत्र में जो बैंक लॉकर संबंधी जो प्रकरण था उसमें यही अपडेट है कि जो इसमें एक अभियुक्त है, जो बैंक का सेकेंड इन कमांड जो वहाँ पे लॉकर मैनेजर भी था शुभम मालवे, उसको हम लोग लगातार दबिश दे रहे थे। जहाँ जहाँ उसके जो घर या जहाँ पे भी उसके रिलेटिव जहाँ पे भी रहते थे, उसी के प्रेशर में आज उसने थाने पे आके सरेंडर भी किया है और हम लोग उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और आगे की पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो अभियुक्त हैं वो लोग जेल गए हैं। सभी अभियुक्तों को PCR पी लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा और अभी उससे हम लोग रिकवरी के प्रयास कर रहे हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है खजाना खाली करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम मालवीय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुभम ने थाने पे पहुंचकर किया सरेंडर। बैंक में लॉकर इंचार्ज है शुभम मालवीय। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन अचानक से शुभम गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस का शक गहराता जा रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर राम प्रसाद को जेल भेज दिया। इसके साथ ही करण राज, राकेश और रमेश को भी जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 250 ग्राम जेवरात बरामद हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब शुभम मालवीय से पूछताछ कर रही है, तो वहीं आने वाले दिनों में बैंक मैनेजर और जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके साथ शुभम मालवीय को बिठाकर पूछताछ करेगी, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हों, साथ ही 3 करोड़ के जेवरात इनकी अंटी से निकालवाने का काम करेगी। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।